तो फाइनली हमने 1K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। एक टाइम ऐसा भी आया कि मुझे लगा कि चैनल को जो है वो क्विट कर लेते हैं, चैनल को बंद कर लेते हैं, क्योंकि व्यूज़ आ नहीं रहते, सब्सक्राइबर्स मिल नहीं रहे थे। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके साथ। आज हमने 1K सब्सक्राइबर्स मीन्स 1000 सब्सक्राइबर जो है फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए। मैं लेक्चर्स के अलावा कुछ वीडियोस आपके लिए बनाता नहीं, तो आज आपके लिए ये न्यू वीडियो बनाया है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बहुत सारा थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से ही हमने 1K सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। पहले मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि एज बोर्ड कम थी पढ़ाने के। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को समझ में भी आ रहा है, पर एज कम है तो लोग ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पर आपने बहुत ही सपोर्ट की, तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करूँगा आपके साथ कि मैंने जो है वो चैनल क्यों बनाया था। दूसरी बात कि मैंने जो है वो चैनल का नेम कीमोपीडिया विद असनैन किसने क्यों रखा, किसने सजेस्ट किया। तीसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि किससे इंस्पायर होके ये मैंने चैनल बनाया। और चौथी बात जो है वो इस चैनल बनाने का गोल या एम क्या है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मैंने चैनल जो है वो स्टार्ट क्यों किया था, रीज़न क्या था जो मैंने चैनल स्टार्ट किया, किससे इम्प्रेस हुआ या किससे इंस्पायर हुआ जो मैंने चैनल स्टार्ट किया। तो चैनल स्टार्ट करने का दिन था 14 अप्रैल को मेरी बर्थडे है, तो दो दिन पहले बर्थडे से जो है मैंने चैनल को स्टार्ट किया। और चैनल स्टार्ट करने का शौक मुझे सर अलक पांडे से आया। सर अलक पांडे को आप जानते होंगे, फिज़िक्स वाला यूट्यूब चैनल है, उसका ऐप है, वो इंडिया में बहुत सारा काम कर रहा है एजुकेशन पे। तो मैं उनसे इंस्पायर हुआ। जब मैं क्लास इंटर में था तो मैं सर अलक पांडे की वीडियोस देखता था और उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। तो मैंने सोचा मैं भी उनके ज़रा एक काम करूँगा, यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगा, लोगों की मदद करूँगा, फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करूँगा। बट इतना ईजी था नहीं। जब मैंने 12 अप्रैल को स्टार्ट किया पढ़ाना, तो ये आप देख सकते हो, ये वीडियो जो है अपलोड की मैंने। तो ये ऐसे पावर पॉइंट पे वीडियो बनी हुई है। उसके बाद कुछ दूसरी वीडियोस अपलोड करते गया, थोड़ी बहुत वीडियोस अपलोड की, पर फिर मैंने जो है वो चैनल जो है वो क्या कर दिया, क्विट कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि व्यूज़ आ नहीं रहे थे, सब्सक्राइबर्स मिल नहीं रहे थे। और उस वक्त मैं सिर्फ क्लास फर्स्ट ईयर में था। तो मेरे पास इतनी नॉलेज भी नहीं थी केमिस्ट्री की कि मैं इतना पढ़ा सकूं। तो उस वक्त मैंने क्विट कर दिया चैनल। फिर उसके बाद जो है वो मेरे एक सर थे जिसका नाम था सर आदिल शिराज, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपका जो पढ़ाने का अंदाज़ है अच्छा है, आपकी प्रेजेंटेशन का वे जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप इस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू करें, आप इस चीज़ को रोके नहीं। तो फिर जो है मैंने कंटिन्यू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है वो कंटिन्यू है। अब हम बात करते हैं कीमोपीडिया के बारे में। कीमोपीडिया सबने सुना होगा, यूनिवर्सिटी में बच्चे मुझे कीमोपीडिया से बुलाते हैं। जिस दोस्त को देखो, हाँ कीमोपीडिया क्या हाल है, जिसको देखो बस कीमोपीडिया लगा के रखा है। तो इस कीमोपीडिया के वर्ड का मतलब क्या है, किसने सजेस्ट किया था, और कीमोपीडिया विद हसनैन नाम मैंने अपने चैनल का क्यों रखा। तो अब इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। तो सेम टू सेम सर आदिल शिराज, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया पढ़ाने के लिए, जिन्होंने कहा कि आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, और उन्होंने ही मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई थी, उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी अच्छी केमिस्ट्री है। मेहनत तो मैं खुद भी करता हूँ, आज खुद जो है वो पढ़ाता हूँ तो खुद पढ़ के जाता हूँ, पर टीचर की मोटिवेशन जो है वो अलग चीज़ होती है, वो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो सर आदिल शिराज से जब मैंने चैनल बनाया, जब शुरू में चैनल बनाया 12 अप्रैल को 2020 में, ठीक है, जब मैंने चैनल बनाया था, तब मेरे चैनल ने का नेम था हसनैन अली कुंदर, जो बेसिकली मेरा नेम है, फुल नेम है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जब दूसरी बार, मैंने आपको बताया ना, वीडियो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो 2-3 वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने चैनल क्विट कर दिया था। फिर कुछ मंथ के बाद, 5-6 मंथ के बाद, फिर जो है वो वीडियोस बनाना स्टार्ट की, सर आदिल ने मोटिवेट किया। तो जब वीडियो बनाना स्टार्ट की तो चैनल का नेम भी जो है मैंने सर आदिल से ही पूछा था, और उन्होंने सजेस्ट किया कीमोपीडिया विद हसनैन नहीं किया था, मेरे चैनल का नेम है कीमोपीडिया विद हसनैन, तो उन्होंने सजेस्ट किया था सिर्फ कीमोपीडिया। तो कीमोपीडिया मुझे नेम पसंद आ गया, तो मैंने सोचा आप कीमोपीडिया तो सही है पर मेरा नाम भी होना चाहिए, ऐसे थोड़ी है, मैं अपना चैनल है, थोड़ा
मेरा तो होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने रख दिया, मेरा नाम हसनैन डा, तो मैंने के रख दिया उसकी मुबीडिया के साथ वजह से हसनैन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो चैनल का नेम आया। तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने मुझे बहुत ही तंग किया जब मैं वीडियो बनाता था, जो चैनल को कंटिन्यू कर रहा था। तो जो प्रॉब्लम्स बीच में आई, जो रुकावटें बीच में आई, तो वो कौन कौन सी। सबसे पहली रुकावट तो ये थी कि मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं था। अच्छा, अब आप ये वीडियो देखें, अच्छा ये आप देखें, ये लेक्चर कौन सा है, उसके बाद ये आप लेक्चर देखें। अब ये जो पूरे जो लेक्चर्स हैं इनमें आप वीडियो की क्वालिटी देखें। अब मैं पूरा उस पर पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर और वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो, तो आदमी जो है वो डीमोटिवेट हो जाता है। डीमोटिवेट मीन्स उसको मज़ा नहीं आता बनाने में, मीन्स वो कह रहा है इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, 15 से 20 मिनट जो है वो लेक्चर बना रहा हूँ, पर उसको कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम जो है मैंने फेस किया था वो था वीडियो क्वालिटी का, जो मोबाइल मेरे पास अच्छी नहीं थी। और अभी मोबाइल मेरे पास अच्छी है, पहले बिल्कुल कम वाली थी, 15-20 हज़ार वाली थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, बता नहीं सकता पर अच्छी है। अब आप वीडियो की क्वालिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि एक तो ये प्रॉब्लम थी कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि आवाज़ का बहुत बड़ा मसला था। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था तो बोर्ड के सामने खड़ा होता था और मोबाइल बहुत ही दूर होता था, स्टैंड वगैरह नहीं होता था, तो आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आता था, सही नहीं आता था, और आवाज़ बिल्कुल कम भी आता था क्योंकि मोबाइल बहुत दूर है। उस वक्त मेरे पास माइक नहीं था, और माइक क्यों नहीं था, क्योंकि माइक ख़रीदने के मेरे पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि उस वक्त मैं क्लास इंटर में था और जितनी पैसे मिलते थे वो तो मैं ऐसे ही यूज़ कर लेता था, ठीक है। तो इन चीज़ों और ये चीज़ें मुझे महंगी लगती थी कि मैं स्टैंड वगैरह कैसे लूँ और माइक मोबाइल वगैरह कैसे लूँ। तो उन्होंने उनमें जो है वो बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद की। जो माइक थी वो मेरे एक सर थे, सर अतर, जिन्होंने मुझे 9th में केमिस्ट्री पढ़ाई थी, तो उनके दोस्त सदफ नाम था उनका, तो उन्होंने माइक की हेल्प की, उन्होंने मुझे माइक लेके दी। तो दूसरी प्रॉब्लम ये थी, वॉइस का बड़ा मसला था, आवाज़ का बड़ा मसला था, जो ऐसे ही जो है वो क्या हो गया, सोल हो गया। तीसरा मसला ये था कि हाँ, तीसरा जो है वो बड़ा मसला था, और वो बड़ा मसला क्या था कि लोगों की बातें। अभी लोगों की बातें मतलब लोग कहते थे कि तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुम पढ़ा नहीं सकते, और जो दोस्त साथ होते थे वो भी ऐसे ही कहते थे, तुम अभी बच्चे हो, क्या ये वीडियोस वगैरह लगा के रखे, ये किसी काम के नहीं है, या हर कोई पूछता था अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, मतलब सबका दिमाग ऐसे होता है, और लोग डीमोटिवेट करते थे ये यूट्यूब किसी काम का ही नहीं है। तो इन चीज़ों का भी मैंने फेस किया और कंटिन्यू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो चैनल अच्छे से इन डीमोटिवेटर के साथ कुछ मोटिवेटर्स भी थे, सही, ऐसे नहीं है कि हर कोई आदमी सिर्फ कहता था ये यूट्यूब जो है फजूल है किसी काम का नहीं है, मोटिवेटर्स बहुत थे, डीमोटिवेट से ज़्यादा। जैसे समार सर अत्तर थे, जिन्होंने मुझे क्लास 9th में केमिस्ट्री पढ़ाई थी, तो वो एडिटिंग वगैरह जो भी कुछ मसला होते थे तो मैं उनसे पूछता हूँ, प्राइवेसी कैसे लगानी है, या जो भी यूट्यूब का मुझे कुछ नहीं आता तो मैं उनसे पूछता हूँ। जैसे सदफ थे, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, माइक लेके दी, तो वो भी थे। जैसे हमारे सर आदिल शिराज, जिन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई, जिन्होंने मेरा चैनल का नेम रखा, जाहिर सी बात है वो मोटिवेटर थे। उनके अलावा सर शाहरुख कोराई थे, वो मेरे आइडियल टीचर हैं, उनसे मैं बहुत ही टीचिंग सीखा हूँ, उनको देख के मैं पढ़ाता हूँ, मतलब वो कैसे पढ़ाते थे मैं उनको सोच कर उनकी तरह जो है कोशिश करता हूँ। उसके अलावा सर समी थे, सर वसी थे, वी सर, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और बहुत ही ज़्यादा टीचर थे जिनको देख के जो है वो मैं मोटिवेट हुआ, और वो पसंद करते थे और वो कहते थे तुम इस चीज़ को कंटिन्यू करो तो इंशाल्लाह आगे जो है वो अच्छा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस जो YouTube चैनल है मेरा कीमोपीडिया विद हसनैन, इसको बनाने का, इसको क्रिएट करने का गोल क्या है, उसका एम क्या है, उसका मकसद क्या है, मैंने चैनल जो है वो क्यों बनाया है। तो मकसद ये है बेसिकली कि मैंने चैनल जो है वो किससे इम्प्रेस होकर बनाया था, अलक पांडे से, मीन्स अलक पांडे का चैनल, फिजिक्स वाला का चैनल मैंने देखा था, उनसे इंस्पायर हुआ, उन जैसा बनना चाहता था, तो उनसे जो है वो इंस्पायर होकर जो है मैंने चैनल बना दिया। तो मेरी कोशिश भी यही होगी कि जैसे उन्होंने काम किया, फ्री एजुकेशन पे काम किया, तो मैं भी जो है वो फ्री एजुकेशन दूँ। उन्होंने यूट्यूब चैनल के बाद ऐप बनाया, तो मैं भी कोशिश करूँगा, जैसे यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है, मिलियंस में अगर सब्सक्राइबर चले जाते हैं, लग तो नहीं रहा पर चले जाते हैं, तो इंशाल्लाह हम भी ऐप बनाएंगे, जैसे सर फिज़िक्स वाला अलग पाने ने किया है, तो हम भी उस तरीके से करेंगे, उन्होंने इंडिया में किया है तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में करूँगा, यही है एम।
इस चैनल का यही गोल। अच्छा, अगर अब हम बात करते हैं कुछ सजेशंस के बारे में। सजेशन मीन्स अगर कोई यंगस्टर या कोई न्यू यूट्यूबर या मुझसे बड़ा भी है पर यूट्यूब पे न्यू है, अगर वो यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है तो वो कैसे वीडियोस को क्रिएट कर सकता है, कैसे वीडियोस को जो है वो बना सकता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास अगर आप न्यू है यूट्यूब चैनल पर तो कैसे आप वीडियोस को जो है वो बनाएंगे? सबसे पहले आपके पास माइक होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, ये तो बेसिक थिंग्स है जो आपके पास होनी चाहिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद आप पावर पॉइंट पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे मीन्स आपकी पीपीटी चल रही है उस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप बुक रख के उस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। या आपके पास बोर्ड का ऑप्शन है तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास बोर्ड है तो ये ऑप्शन जो है आपका सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो ये ऑप्शन भी हो गया, अगर बोर्ड पे है तो बोर्ड पे आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर दें। अच्छा, अब मसला ये होता है कि वीडियो जो है वो बहुत बड़ी होती है, मीन्स 1 GB की होती है, 2 GB की होती है। अगर आप ऐसे ही यूट्यूब पे डायरेक्टली कि अपलोड करेंगे तो आपकी बहुत सारे MBs ख़त्म हो जाएंगी, तो आपको ऐसे नहीं करना। आपको कोई ना कोई ऐप एडिटिंग का यूज़ करना है, उसमें से आपको MBs को रिड्यूस करना है। मीन्स जब मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे वीडियो, तो मेरी वीडियो जो है वो 2 to 2.5 GB की होती है, या 3 GB या 4 GB की भी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि वीडियो क्वालिटी अभी अच्छी है। तो उसको मैं रिड्यूस करता हूँ 2 to 300 जो है वो MBs में रिड्यूस करता हूँ, और फिर मैं जो है वो क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोबाइल की साइज़ जो मेमोरी होती है वो भी बच जाती है, क्योंकि ज़्यादा मेमोरी होती नहीं है तो वीडियोस रखने की जगह भी नहीं होती। तो ऐसे आप रिड्यूस करके अपनी MBs इंटरनेट भी बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? अच्छा, जैसे आपको थंबनेल बनाना है, आपको थंबनेल अच्छा होना चाहिए, उसके लिए भी आपको कुछ ऐप्स जो है आपको, जैसे जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आप पूरी चीज़ें सीखते जाएंगे। आपको जो है वो एक एडिटिंग, हाँ, थंबनेल के लिए जो है वो ऐप चाहिए, और जो भी डिस्क्रिप्शन जो भी टाइटल वगैरह एडिट करना है उसके लिए आपके पास है YouTube स्टूडियो जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से? प्ले स्टोर से। तो यहीं पे हम अपना वीडियो जो है वो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और फाइनल में लास्ट में भी यही कहूँगा कि आपका बहुत सारा सपोर्ट रहा, उसकी वजह से जो है इतने सब्सक्राइबर्स मिले हैं, और इस तरीके से आपकी सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह हम मिलियंस में एक दिन जो है वो पहुँचते जाएंगे, और फ्री एजुकेशन जो है वो लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हर कोई जो है वो सेंटर और ट्यूशन की फ़ीस नहीं भर सकता। तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों को फ्री एजुकेशन दें और क्वालिटी एजुकेशन दें, ऐसे नहीं है कि उनके कॉन्सेप्ट अच्छे करें। अगर जिस तरह अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो मतलब आपकी ये क्या है, सक्सेस है। ठीक है, तो हम जो है वो इस चीज़ पे काम करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ ही तक ये था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। Thank you very much.